बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव बोले, ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें सिर्फ अफवाह है। हर पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है, हमने इसे ताल कटोरा स्टेडियम में भी आयोजित किया था। उन्होंने मीडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है, कहा हमने जाति आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से जो किया है उसे ज़्यादा नहीं छापा जा रहा है, केवल विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। बात आप लोग को जब भी बड़ा काम राज्य सरकार भाई मेरे मुंह पे आ रहा है। आप देखिएगा जब जाति जनगणना हुआ तब खबर को दबाने का, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, जिस दिन आरक्षण बढ़ाया गया उस दिन खबर को दबाने का प्रयास किया। जिस दिन कल ही कैबिनेट में हम लोगों ने लगभग जो है कल परसों 3 महीने बाद जागती रहे तो उस पर क्या कहना, उस पर तो कोई बात ही नहीं। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई, कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके तो मतलब तो है। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है, हम लोगों का नहीं वक्त था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। सीट शेयरिंग को लेकर बातें सस्ती नजर आ रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बातें सस्ती, पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई, राजकीय सवालों में बुलवाने दीजिए, क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है।